बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जीत के जश्न में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जीत सुरक्षा है, सुशासन की है। और बता दें आपको कि सीएम योगी ने कहा है, बचेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। जीत के बाद उन्होंने ये पहला बयान दिया। थोड़ी देर में वो यहाँ पर बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जिसके बाद जाहिर तौर पर जश्न की खुशियों में शामिल वो होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जीत सुरक्षा और सुशासन की है, और बचेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने नारा लगातार इन चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान दिया, चाहे यूपी की बात करें या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी बात करें, क्योंकि ये अब जरूर यूपी से शुरू हुआ था नारा, लेकिन ये हरियाणा पहुंचा। इसके अलावा जहां जहां चुनाव हुआ, यानी कि महाराष्ट्र भी पहुंचा, झारखंड भी पहुंचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर हमेशा ही बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इस नारे की भी अहम भूमिका रही है इस जीत में। तस्वीरें आप देख रहे हैं जश्न के दौरान के, तमाम कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये 9 सीटें जिनमें से महज 4 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी इन उपचुनावों से पहले, और 5 सीटें एनडीए के पास थी। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुए तो इन सीटों में शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया। बता दें कि 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में आई है। जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में यहां पर प्रदर्शन सबसे अच्छा जो रहा था और सबसे बड़ी पार्टी के रूप जो सामने आई थी उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी थी। पीडीए के फॉर्मूले ने जो समाजवादी पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत किया था, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में उपचुनाव में जी जान झोंक दी बीजेपी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी, जमकर प्रचार प्रसार हुआ। उपचुनाव जिसमें अक्सर देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकलते थे, खासकर के अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने 14 रैलियां की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई थी, 15 रैलियां की, जगह जगह डोर टू डोर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और बूथ लेवल पर जो तैयारी की गई। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात की जो 30 स्पेशल मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, एक यहां पर कह सकते हैं कि जो तैयारी थी बीजेपी की वो इतनी जबरदस्त थी, जिसका असर और जिसका इफेक्ट कहते हैं कि परिणाम कहें यहां पर, कि वो शानदार रूप में सामने आया है बीजेपी के उपचुनाव में। जो ये क्लीन स्वीप देखा गया है, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए आगे 2027 में एक बड़ा, कह सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं आगे के चुनावों में एक आसान कर देगा रहा बीजेपी के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में आई है। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर बीजेपी ने किया है, ऐसे में कार्यकर्ता पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में वो शामिल हो जाएंगे। सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत, गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा की जीत, और वहीं करहल से एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीते हैं। वहीं फूलपुर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने जीत हासिल की है। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश जीते हैं, और साथ ही खैर सीट से बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर की जीत, कुंदर की सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह आगे, और उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर जहां पर उपचुनाव हुआ वहां पर आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। वजवा की बात करें तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुचेस्मिता मौर्य की जीत हुई है। कटेहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद की जीत हुई है। ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ है। 10 का दाव में 10 सीटों पर हमारी नजर रही है, पल पल का अपडेट आपको दिया है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी। बता दें आपको कि सीसामऊ सीट वो सीट है जहां पर 22 सालों से यहां सोलंकी परिवार का ही राज रहा है, और एक बार फिर से यहां पर सोलंकी परिवार ने झंडा गाड़ दिया है। नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी पत्नी है, इरफान सोलंकी के विधायक रद्द होने के बाद, जेल जाने के बाद नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा था, और उन्होंने जीत हासिल की है। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। बेहद मजबूत जगह है बीजेपी के लिए गाजियाबाद, जहां से काफी वक्त से जीती हुई आ रही है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से खुशी दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं में, रंग खेलते हुए, मिठाइयां बांटते हुए, नाचते गाते, गुलाल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जीत तोड़ मेहनत की है, क्योंकि 2027 की अगर बात करें तो वहां विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन सकते थे अगर इन उपचुनावों में